हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सर्दी, खांसी, जुकाम, सीने में जमा हुआ बलगम, कफ, इन सभी समस्याओं को जड़ से ख़त्म करने का आज मैं आपके साथ एक घरेलू नुस्खा शेयर कर रही हूँ, जिसे यदि आप सेवन करते हैं तो यकीन मानिए, यदि आपका सीना में बहुत ज़्यादा ही कफ जम गया है, बलगम हो गया है सर्दियों के मौसम में, और आपको खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, काफ़ी जुकाम हो रही है, तो इन सभी समस्याओं को जड़ से ख़त्म करने का आज मैं आपके साथ एक ही नुस्खा बता रही हूँ, जो रामबाण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही पावरफुल है, जिसे यदि आप एक बार ही सेवन करते हैं तो आप यकीन मानिए, सर्दी, खांसी, जुकाम, सीने में जमा हुआ कफ, बलगम, सभी समस्याओं से एक बार में ही छुटकारा पा सकते हैं। इतना इफ़ेक्टिव और इतना असरदार है यह नुस्खा। इसको बनाना फ्रेंड्स बिल्कुल आसान है, आसानी से आपका किचन में जो सामान उपलब्ध रहता है उसी से आप आसानी से बना सकते हैं और सीने में जमे हुए कफ, बलगम, सर्दी, खांसी, जुकाम से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसे बनाना बिल्कुल आसान है। हमने यहाँ पे लिया है एक बाउल और आपको जितना बनाना है उस अनुसार आप पानी ऐड कर सकते हैं। हमें यहाँ अभी तुरंत पीने के लिए बनाना है तो हम यहाँ पे एक गिलास पानी ले रहे हैं। एक गिलास पानी को हमें अच्छी तरीके से पकाना है। जब हम सामग्री डालेंगे तो तब जाकर यह आधा गिलास हो जाएगा, तो हम गैस को, फ्लेम को बंद करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक गिलास के लगभग लगभग बराबर में पानी लिया है। आपको बर्तन थोड़ा सा साइज बड़ा है तो आपको दिखने में कम लगता होगा, बट यह पानी एक गिलास ही है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो है तेज़पत्ता। तेज़पत्ता सर्दी, खांसी, जुकाम को दूर करने में, शरीर को गर्म रखने में काफ़ी अच्छा होता है। जब भी आप तेज़पत्ता को पानी में ऐड करें बनाने के लिए, तो सबसे पहले तेज़पत्ता को आप अच्छी तरीके से पानी में साफ़ कर लें, क्योंकि बहुत सारे डस्ट रहते हैं, गंदगी रहते हैं, जो हम इसी तरीके से डाल देंगे तो नुकसानदायक हो जाएगा। उसके बाद जो हम इसमें ऐड करेंगे वह है, यानी कि आपको लेना है अजवाइन। अजवाइन सभी के किचन में आसानी से उपलब्ध होता है, तो हमने हाफ चम्मच के बराबर में अजवाइन लिया है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 7 से 8 काली मिर्च, यानी काली मिर्च मैं यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा ले रही हूँ, ताकि हम यहाँ पे इसको, इसमें हम यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे हैं अदरक, क्योंकि अदरक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो मुझे यहाँ पे अदरक नहीं लेना है, इसलिए मैं यहाँ पे अदरक नहीं रख रही हूँ। तो आप अदरक ज़रूर रखिए, अदरक ज़रूर ऐड करें, 1 इंच आप अदरक रख सकते हैं या 1/2 इंच के बराबर में। तो हमने यहाँ पर लिया है तेज़पत्ता, अजवाइन और लिया है यहाँ पर काली मिर्च। आप अदरक ज़रूर ऐड करें, अदरक बहुत ही अच्छा होता है सर्दी, खांसी और कफ जो जमा है, बलगम जमा है, उससे जड़ से ख़त्म करने में। तो मुझे यहाँ पे अदरक नहीं लेना था, इसलिए मैं यहाँ पे अदरक नहीं ऐड कर रही हूँ, लेकिन आप ज़रूर ऐड करें। उसके बाद हमने यहाँ पे लिया है एकदम चुटकी भर के बराबर में काला नमक। आप चाहे तो सादा नमक भी ले सकते हैं, बट काला नमक बहुत ही अच्छा होता है, तो कोशिश करें कि काला नमक ही यूज करें। उसके बाद इसे हम ढककर 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरीके से पकाएंगे, ताकि जो इसका जो हमने जो भी सामान ऐड किया है उसका अच्छे तरीके से पक सके और उसका सारा असर पानी में जा सके, और जो हमने एक गिलास पानी रखा था वो बिल्कुल पककर आधा ग्लास के बराबर में हो जाएगा। और यदि आप मीठा पीना चाहते हैं तो आप इसमें गुड़ ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें मीठा नहीं पीना है, तो मैं यहाँ पे गुड़ बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी, इसलिए हमने काला नमक ऐड कर दिया है। चीनी बिल्कुल भी आप ऐड नहीं करें, नहीं तो सर्दी, खांसी, जुकाम ठीक नहीं होगा, और जहाँ तक कि कफ बलगम ठीक होने के बजाय और ज़्यादा कफ बलगम हो जाएगा, तो आप चीनी बिल्कुल भी ऐड नहीं करें। इस तरीके से गर्मा गर्म आप पिए और अदरक ज़रूर इसमें ऐड करें। यकीन मानिए, सीने में जमा हुआ कफ, बलगम, सर्दी, खांसी, जुकाम को बहुत जल्दी ठीक करता है यह, तो आप सुबह शाम दिन में 2-3 बार भी ले सकते हैं, आपको काफ़ी आराम। जमा हुआ कफ बलगम बहुत जल्दी दूर हो जाएगा, तो इस तरीके से आप जरूर सेवन करें सर्दियों के मौसम में। वीडियो पसंद आया हो तो जितना हो सके इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, ताकि इसका फ़ायदा और लोगों को भी मिल सके। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें, ताकि हमारा जो भी न्यू वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलती हूँ अगले न्यू वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्ते।